हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ की शुभन सल एंड आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज हम नॉन कोर डेटा के एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे। ये वीडियो पार्ट टू है। पार्ट वन हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्ट हर एक पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज हम न्यू 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। जो वीडियो होगा ये बीएससी जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए, और इवन एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। जहाँ भी एनिमल डाइवर्सिटी क्वेश्चन आएंगे ये आपको क्वेश्चन समझ के बेनिफिट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्लेटी हेलमेंथिस आर, और फिर हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, इसके अंदर चुनना है, ठीक है। इससे पहले हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो प्लेटी हेलमेंथिस होते हैं, देखो सबसे पहले हम सिलोम की बात करते हैं, ठीक है। जो प्लेटी हेलमेंथिस होते हैं, फिर आता है एस्के हेलमेंथिस और फिर एनालिडा, ठीक है जी। तो जो एनालिडा, जो प्लेटी हेलमेंथिस है उसके अंदर कैसे होता है, ए सिलोमेट, ठीक है, ए सिलोमेट होंगे, यानी कोई भी सिलोम नहीं है, ठीक है। तीनों ही ट्रिपल ब्लास्टिक हैं, बट प्लेट एलिमेंथिस कैसे हैं, ए सिलोमेट है। एस्के एलिमेंथिस कैसे हैं, सूडो सिलोमेट, यानी सिलोम प्रेजेंट है बट मेसोडर्म से लैंड नहीं है, इसलिए सूडो सिलोमेट है, ट्रू सिलोम नहीं होगी। ट्रू सिलोम किसके अंदर प्रेजेंट होगी, एनोलिडा के अंदर प्रेजेंट होगी ट्रू सिलोम। तो ट्रू सिलोम क्या होता है कि जब मेसोडर्म से कैविटी एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों तरफ से लैंड होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं ट्रू सिलोम। सो जो प्लेट एलिमेंथिस होगा उस पर हम टिक लगाएंगे ए सिलोमेट, ठीक है। तो ए सिलोमेट वाले बी एंड सी ऑप्शन है, तो ए नहीं हो सकता आंसर, ठीक है, ना डी हो सकता है। अब बचा बी एंड सी। अब मैंने आपको बताया कि प्लेट एलिमेंथिस से क्या स्टार्ट होता है, डिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट होता है। इससे पहले जो पॉलीफेरा है और नाइडेरिया है ये कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक है। प्लेट एलिमेंथिस से लेके सारे आगे डिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है जी। सो आंसर विल बी सी, ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि पैरापोडिया आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इन, तो याद रखें पैरापोडिया किसके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, एनालिडा के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर खत्म नहीं होता बिकॉज सब एनालिडा के अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें एलिमिनेट करने कुछ ऑप्शन, जैसे सेंटीपीड एंड जूलस, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आर्थोपोडा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हमने एलिमिनेट कर दिए, तब हमें पता चला कि दो ऑप्शन अभी भी रिमेनिंग है जो किसके आंसर है, एनालिडा के। सो यहाँ पर हम फंस गए, अब हमें थोड़ा और डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो क्लास ऑलिगोचैटे जो एक क्लास पॉलीचैटे होती है, ठीक है, और एक होती है क्लास ऑलिगोचैटे, ठीक है। जो पॉलीचैटे क्लास होती है उसके अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पैरापोडिया होंगे, पैरापोडिया पर सीटें लगे होंगे, ठीक है। जबकि अर्थवॉर्म में जो ऑलिगोचैटे क्लास के अंदर आता है उसमें पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होते, तो सीटें बॉडी वॉल से ही लगे होते हैं, ठीक है जी। सो आंसर विल बी बी, नेरिस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आंसर इसका बी है। फिर आता है एनिमल्स शोइंग मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर, तो याद रखना मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में प्रेजेंट होती है, ट्रू सेगमेंटेशन, एनलिडा के अंदर, ठीक है। सो आंसर विल बी बी। बात आती है ग्रेविटी प्रोग्लॉटिड्स हैविंग फर्टिलाइज्ड एग्स इन यूट्रस ऑफ टैपवर्म आर रेगुलरली डिटैच्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज। देखो जब भी जब हमने टैप वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री डिस्कस की थी तब हमने बताया था कि टैप वॉर्म का स्ट्रक्चर भी देखा था हमने कि तीन टाइप के, ठीक है, नेक के बिलो क्या प्रेजेंट होते हैं, तीन टाइप के प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पहले होंगे यंग वंस, ठीक है, यंग वंस प्रेजेंट होंगे, फिर मैच्योर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फिर होते हैं ग्रेविड प्रोकैरियोट्स, ठीक है जी, ग्रेविड प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होता है। तो यंग वंस के अंदर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते, जबकि मैच्योर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और हमें पता है कि ये कैसे मोनोशियस होते हैं ये, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एक ही प्रोग्लॉटिड के अंदर है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा कि जो एग्स फॉर्म होंगे, फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे, तो जो अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ है, फिर और भी जो सारे इनके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सारे डिजेनरेट कर जाते हैं, सिर्फ क्या बचता है, यूट्रस बचता है विद फर्टिलाइज्ड एग्स। तो यूट्रस पैक्ड रहता है एग्स के साथ, और इस प्रोग्लॉटिड को जिसके अंदर और सब चीज़ें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डिजेनरेट कर जाते हैं, सिर्फ यूट्रस पैक्ड रहता है फर्टिलाइज्ड एग से, इसे क्या कहते हैं, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। अब यही ग्रेविड प्रोग्लॉटिड क्या करता है, ये डिटैच हो जाता है, डिटैच होने के बाद फीकल मैटर में पास आउट हो जाएगा, और फिर इसे जो इंटरमीडिएटरी होस्ट होता है पिग, वो ईट कर लेता है ना, एंड देन लाइफ हिस्ट्री कंटिन्यू हो जाती है, लाइफ साइकिल जो है उसकी कंटिन्यू हो जाती है टीनियस विलियम की। सो ये जो प्रोसेस होता है इसे क्या कहते हैं, एपोलाइसिस, ठीक है। जो स्टेबलाइजेशन, आपने स्टेबलाइजेशन भी पढ़ा होगा, इसे कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो स्टेबलाइजेशन क्या होता है कि जो नेक, इसके पहले क्या प्रेजेंट होती है, नेक रीजन प्रेजेंट होती है,
तो उस नेक रीजन में जोन ऑफ प्रोलीफ्रेशन प्रेजेंट होता है। उस जोन ऑफ प्रोलीफ्रेशन में डिवीजन होकर जो ये स्ट्रोबिला प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाइजेशन। ठीक है, सो इसने क्वेश्चन ने कई सारे वर्ड यूज़ किए जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, बट आपको क्लियर कट होता है कि पढ़ा हुआ तो हमें हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे वर्ड को, बट कौन सा एग्जैक्ट आंसर है इसका। ठीक है, सो आंसर विल बी एपोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एफ्रोडाइट इज कॉमनली नोन एज सी माउस। तो याद रखना एफ्रोडाइट एक सी माउस है और ये क्या है, एक एनलिडा है। ठीक है जी, एफ्रोडाइट क्या है, एनलिडा। सो आंसर विल बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडो पैरासाइट ऑफ मैन इज विवी पैरस। अच्छा, तो कौन सा पैरासाइट एंड मैन के अंदर विवी पैरस होगा, यानी जो एग ले नहीं करेगा, यंग वंस प्रोड्यूस करेगा सीधा। ठीक है, तो इसका भी देखो आपको जब आंसर मेमोराइज करना पड़ेगा, कोई कंसेप्ट नहीं, बस इसमें पहले मैं देख लेते हैं कि कौन से जो एग्जाम्पल है किस फाइलम को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एस्कैरिस, वोचेरिया और ड्रैकेनक्यूलस, ये किसे बिलोंग कर रहे हैं, एस्कलेमेंथिस को बिलोंग कर रहे हैं, जबकि जो टीनिया सोलियम है वो किसे बिलोंग कर रहा है, वो प्लेटी हेलेमेंथिस को बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, प्लेटी हेलेमेंथिस को बिलोंग कर रहा है, हमने अभी देखा। तो वीवी पैरासिस ने पूछा, तो कुछ हमें पता पता चलता है कि कुछ ओवी पैरास होता है और कुछ वीवी पैरास होता है। जो वॉचेरिया होता है, वॉचेरिया कैसा होता है, वीवी पैरास होता है। ठीक है, वॉचेरिया वीवी पैरास होता है, ऐसे एक ट्राइकिनेला होता है। ठीक है, ये भी कैसा होता है, वीवी पैरास होता है, यंग वंस प्रोड्यूस करेगा, एग ले नहीं करेगा। जैसे एस्केरिस भी हमने स्टडी किया था, हमें पता है एग ले करता है। ठीक है, तो फर्टिलाइज एग फॉर्म करता है, एग कैप्सूल। तो आंसर विल बी बी। एंड एक को याद रखो, ट्राइकिनेला, ये भी क्या है, वीवी पैरास है, दोनों ही एस्केलेमेंथिस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है लिवर फ्लूक का। ठीक है जी, लिवर फ्लूक, तो इसका जो लिवर फ्लूक है तो कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, फेसियोला हिपैटिका, फेसियोला हिपैटिका, ये क्या है, शीप लिवर फ्लूक है। ठीक है, याद रखना शीप लिवर फ्लूक, इससे आपको जो प्राइमरी होस्ट होगा वो याद रहेगा, इसमें कोई मैन होस्ट नहीं होता। ठीक है, तो जो फेसियोला हिपैटिका है, फेसियोला हिपैटिका, इसमें प्राइमरी होस्ट क्या होती है, शीप होती है या फिर गोट का हो। ठीक है जी, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है उसमें कहते हैं इंटरमीडिएटरी होस्ट, वो क्या होगा, वो गार्डन स्नेल होगा, गार्डन स्नेल। अब गार्डन स्नेल में हमने नाम पढ़े होंगे, एक हो सकता है लिमनिया, लिमनिया, या फिर हो सकता है प्लेनॉर्बिस। ठीक है, प्लेनॉर्बिस। अब जो प्राइमरी, अच्छा ये क्वेश्चन भी एक पूछ लेता है कि प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट में डिफरेंट, मतलब फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट के अंदर कौन सा प्राइमरी होस्ट होगा, यानी जिसके अंदर भी रिप्रोड्यूस करेगा ना, वो प्राइमरी होस्ट होगा। ठीक है, जिसके अंदर, सेकेंडरी होस्ट के अंदर सिर्फ ग्रोथ करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर हो रहा है वो प्राइमरी होस्ट है। ठीक है, तो और ये जो फेस्युला हिपैटिका क्या कॉज करता है, लिवर रॉट डिजीज कॉज करता है, फिर लिवर सिरोसिस कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ लार्वल स्टेजेस बनेंगी, जैसे मिरासीडियम, उसके बाद बनेगा स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट, देन बनेगा रेडिया, देन बनेगा कैरकेरिया, देन बनेगा मेटा कैरकेरिया। ठीक है जी, अभी जो मेरा सीडीएम होता है ये किसे इन्फेक्ट करता है, ये सेकेंडरी होस्ट है, फिर कहें इंटरमीडिएटरी होस्ट, यानी स्नेल को इन्फेक्ट करेगा, जबकि जो मेटा कैरकेरिया होगा वो किसे इन्फेक्ट करेगा, प्राइमरी होस्ट यानी शीप को। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा किसे इन्फेक्ट करता है। तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, आंसर पे आते देखते हैं ऑप्शंस। तो हमने कहा कि सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले मिरासीडियम होगा। ठीक है, तो सीओडी तो हो ही नहीं सकते। फिर हमने कहा स्पोरोसिस्ट होगा, दोनों में स्पोरोसिस्ट है। फिर हमने कहा था रेडिया होगा, रेडिया देन कैरकेरिया देन मेटा कैरकेरिया। ठीक है, सो आंसर विल बी बी, बी करेक्ट होगा आंसर। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुडोसिडोमेट एनिमल, कौन सा सुडोसिडोमेट होगा। हमें पता है सुडोसिडोमेट सिर्फ कौन सा है, सुडोसिडोमेट है एस्केलेमेंथस। अब यहाँ पर एस्केलेमेंथस क्लियरली नहीं लिखा उन्होंने। ठीक है, एग्जामिनर भी समझदार है, उन्होंने कहा कि पता होना चाहिए बच्चों को, चेक करते हैं। तो टैप वॉर्म जो पता है, टैप वॉर्म क्या है, प्लेटी एलिमेंथिस का है। इवन फ्लैट वॉर्म भी कौन सा होता है, प्लेटी एलिमेंथिस वाले, तो सी ओ डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्लेटी एलिमेंथिस के अंदर कैसा है, ए सिलोमेट है, कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं होगा। फिर बचता है वेपर वॉर्म एंड सैंड वॉर्म। तो याद रखना जो सैंड वॉर्म होता है वो किसका एग्जाम्पल है, एनेलिडा का। एनेलिडा में हमने पॉलीचैटिक क्लास के अंदर नेरिस को स्टडी किया। ठीक है, नेरिस, तो जो नेरिस होता है इसे हम सैंड वॉर्म भी कह सकते हैं, फिर राउंड वॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, सी अब अभी नेरिस देते तो हमें पता होता। ठीक है, बट उन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, उन्होंने सैंड वॉर्म दिया। ठीक है, बट हम भी कम नहीं, हमने बायोलॉजी वॉर्म की वीडियो देखी है, तो हम भी आंसर सही करके आएंगे। तो सैंड वॉर्म, राउंड वॉर्म किसके नाम है, नेरिस के नाम है। तो और नेरिस किसका है, एनेलिडा फाइलम को बिलोंग करता है। सो विप वॉर्म जो हुआ आंसर क्या होगा, विप वॉर्म। ठीक है जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोनेफ्रिडे और फ्लेम सेल्स ऑफ फ्रेश वाटर प्लेटिहेलमिंथस हेल्प्स इन, ठीक है, फ्रेश वाटर प्लेटिहेलमिंथस के अंदर जो प्रोटोनेफ्रिडे और फ्लेम सेल्स होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं। अब हमें पता है कि चाहे फ्रेश वाटर हो, चाहे मरीन हो, चाहे कैसा भी हो, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडे और फ्लेम सेल्स बच्चे बच्चों को पता है किसमें हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन एंड ऑक्सीमो रेगुलेशन में। तो कई बार पढ़ा है प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है किसके अंदर, किसके अंदर सिर्फ नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो आंसर विल बी ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन था बायरमस अपेंडेजेस किस में प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बायरमस अपेंडेजेस हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अपेंडेजेस कैसे होंगे, फॉग्ड अपेंडेजेस होंगे, यानी ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ऐसे अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हमने एनलिडा एंड आर्के, सॉरी एनलिडा ऑप्शन को हटा दिया, ठीक है, बिकॉज आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं। आर्थ्रोपोडा में हमें पता है इंसेक्टा क्लास भी आता है, क्रस्टीशिया क्लास भी आता है, एरेकनिडा क्लास भी आता है, ठीक है। बट याद रखना, इतना आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि बायरमस अपेंडेजेस किसके अंदर प्रेजेंट है, क्रस्टेशियंस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। बायरमस अपेंडेजेस क्रस्टेशियंस के अंदर कौन से एग्जांपल आते हैं, जैसे प्रॉन एग्जांपल आ गया, कैंसर क्रैब, ठीक है, कैंसर क्रैब ध्यान रखना, ये एग्जांपल आ गया, साइक्लॉप्स आ गया, क्रेफिश हो गया, ठीक है। अरेकनिडा के अंदर स्पाइडर होता है, स्कॉर्पियन होता है, स्पाइडर स्कॉर्पियन, ठीक है। इंसेक्टा के अंदर आपको पता ही है, एपिस हनी भी हो गया, टर्माइट हो गया, ठीक है, बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म जो होता है वो हो गया। सो आंसर क्या होगा इसका, बी, बायरमस अपेंडेजेस के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, क्रस्टेशियंस के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। बात आती है द वेक्टर फॉर कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज, तो हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, टेस्टेस फ्लाई होगा इसका आंसर, ठीक है जी। वेट अ बिट, ये जो क्वेश्चन है ये जो पुरानी हमने वो स्टडी की थी उसका है एक्चुअली ये, ठीक है, हमने पहले नॉन कॉर्डेटा स्टडी किया था, तो ये उसका क्वेश्चन है, इसमें गलती से आ गया, तो कोई बात नहीं। तो इसी एक रिवाइज की जगह जो टेस्टस फ्लाई होती है, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस की वेक्टर वो होती है, ठीक है। तो फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज करेक्टराइज्ड बाय, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो करेक्टराइज्ड बाय कह रहा है, यानी इसके यूनिक फीचर्स, ठीक है। अब ये मत कहना कि हम कुछ ऑप्शन कट करेंगे बट वो कुछ में प्रेजेंट होंगे, बट यूनिक फीचर्स नहीं है आर्थ्रोपोडा के। हमें पता है कार्टनस एक्सोस्केलेटन जो होता है वो यूनिक फीचर है, तो सब में वेट दे रखा है इन्होंने। बट फिर उसके बाद एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी एक यूनिक फीचर है इसका, ठीक है। फिर होता है पेयर्ड अपेंडेजेस, नहीं पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, डी वाला, ठीक है। तो डी विल बी दी आंसर, एंटीना भी कुछ में प्रेजेंट होते हैं और कुछ में कंपाउंड आई भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन सिंपल भी हो सकती है। ना यहाँ पर उन्होंने पूछा करेक्टराइज्ड कैसे किया जाता है, तो यूनिक फीचर जो सब में प्रेजेंट होंगे। सो आंसर विल बी डी, कार्टिनस एक्सोस्केलेटन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एंड पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। फिर बात करते हैं एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपॉड एनिमल टेक्स प्लेस बाय, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा। तो देखो ये याद करने की चीज़ है, इसमें आपको पता करना है कि जैसे मालफिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, मालफिजन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स, कॉक्सल ग्लैंड्स, सब के सब प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबाव। अब हमें ये देखना है कौन सा किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, बिकॉज हर बार क्वेश्चन एक ही तरह से फ्रेम होकर नहीं आता, पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जैसे एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपॉड एनिमल्स टेक्स प्लेस बाय मालफिजन ट्यूब्यूल्स, मालफिजन ट्यूब्यूल्स के से किसके अंदर होता है, जो इंसेक्टा क्लास होती है एक तो उसके अंदर होगा, बाकी जो एरेकनिडा क्लास होती है, ठीक है, एक्निडा क्लास होती है उसके अंदर होता है, ठीक है। इंसेक्टा जो हेक्सापोड होता है 6 लेग्स वाले, एरेक्निडा जो ऑक्टापोड होते हैं 8 लेग्स वाले, ठीक है जी। और साथ में एरेक्निडा के अंदर कॉक्सल ग्लैंड्स की हेल्प से भी होता है, कॉक्सल ग्लैंड की हेल्प से भी होता है एरेक्निडा के अंदर, ठीक है। और साथ में कॉक्सल जो मीरोस्टोमेटा क्लास होती है, मीरोस्टोमेटा क्लास, मीरो मीरो स्टोमेटा क्लास जो होती है उसके अंदर भी किसकी हेल्प से होता है, कॉक्सल ग्लैंड की हेल्प से। अब हमें पता चला मीरोस्टोमेटा कौन है, तो एग्जांपल हमने पढ़ा था लिमुलस, लिमुलस यानी किंग क्रैब, ठीक है, किंग क्रैब का ध्यान रखना, किंग क्रैब मीरोस्टोमेटा में है, जबकि जो सिंपल कैंसर क्रैब है, ठीक है, कैंसर कह दो क्रैब का वो, ठीक है, वो क्रस्टेशिया के अंदर आता है, ठीक है। तो लिमुलस यानी किंग क्रैब, तो उसके अंदर भी कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू होता है, और जो एरेक्निडा होती है स्पाइडर वाली क्लास, उसके अंदर भी कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू होता है। बचा कौन सा, ग्रीन ग्लैंड्स बचे हैं, जो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं उसमें, और उसकी हेल्प से किसके अंदर होगा, जो प्रॉन होते हैं, ठीक है,
उनके अंदर होगा ग्रीन लैंड्स की हेल्प से, जो क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रस्टेशियंस ठीक है, प्रॉन हो गया जिसमें कैंसर क्रैब हो गया ठीक है, उसमें किसकी हेल्प से हो रहा है, ग्रीन लैंड्स की हेल्प से, क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट बुकलंग्स किसके अंदर मिलेंगे, वहाँ तो एक्सक्रीशन की बात हुई थी, ऐसे जो रेस्पायरेशन होता है रेस्पायरेशन के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है। बुकलंग्स जो होता है वो आपको किसके अंदर मिल जाएगा, बुकलंग्स आपको मिल जाएगा एरेक्निडा क्लास के अंदर ठीक है। एरेक्निडा क्लास के अंदर कौन आता है, एक तो स्पाइडर आता है और एक आता है स्कॉर्पियन, क्लियर। प्रॉन जो होता है वो क्रस्टेशिया के अंदर आता है, और उसके अंदर आपको किसके थ्रू मिलेंगे, जो प्रॉन होता है उसके अंदर आपको रेस्पिरेशन मिलता है, मिलेगा बॉडी सर्फेस के थ्रू, बॉडी सर्फेस ठीक है जी। जो क्रस्टेशियंस होते हैं, ल्यूमिनस के अंदर किसके थ्रू मिल जाएगा, बुक गिल्स के थ्रू मिल जाएगा, बुक गिल्स के थ्रू ठीक है। कॉकरोच क्या है, एक इंसेक्ट है, इंसेक्टा क्लास के अंदर ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है ठीक है जी। जो स्कॉर्पियन होते हैं उसके अंदर भी बुक लंग्स के थ्रू भी हो जाता है, और इवन ट्रैकियल के थ्रू भी हो जाता है उसके अंदर ठीक है। बट यहाँ पर स्पेसिफिकली बुक लंग्स पूछा तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगा, अरैकनिडा क्लास के अंदर, और अरैकनिडा क्लास के अंदर स्कॉर्पियन आ गया हमारा और स्पाइडर आ गया ठीक है जी। इवन टिक्स भी होती हैं, जो टिक्स होती हैं टिक्स एंड माइट्स, वे भी इसके अंदर आ जाती हैं ठीक है। सो आंसर क्या होगा इसका, आंसर विल बी ए। फिर बात करते हैं 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंसेक्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा इंसेक्टा का ठीक है, इंसेक्ट का। तो इंसेक्टा क्या होता है, इंसेक्टा हमें पता है, इंसेक्टा का एक और नाम होता है उसे कहते हैं हेक्सापोडा ठीक है। इंसेक्टा का एक और नाम होता है क्या कहते हैं, हेक्सापोडा, यानी सिक्स लेग्स होंगे। और हमें पता है कैसे होता है अपेंडेजेस, जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे, यानी पेयर्स प्रेजेंट है। तो 3 × 2 तो टू थ्री पेयर्स प्रेजेंट होंगे ठीक है, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे। सो आंसर विल बी सी ठीक है। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके नाम पर ही क्लास का नाम है, इंसेक्टा या फिर हेक्सापोडा। नंबर ऑफ वॉकिंग लेग्स इन अ स्पाइडर इज, देखो स्पाइडर जो होता है, स्पाइडर होता है अरैकनिडा क्लास के अंदर आता है। अरैकनिडा क्लास को हम ऑक्टोपोडा भी कहते हैं ठीक है। और ऑक्टोपोडा यानी 8 लेग्स हैं, या मतलब 4 पेयर्स हैं ठीक है जी। और इसी वजह से आंसर क्या होगा, बी। और इसी वजह से हम कहते हैं स्पाइडर एक इंसेक्ट नहीं है, बिकॉज इंसेक्ट के अंदर 6 लेग्स होते हैं, स्पाइडर के अंदर 8 लेग्स प्रेजेंट हैं ठीक है। सो इंसेक्टा क्लास के अंदर नहीं डाला जाता है ये। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विंगलेस इंसेक्ट। अब जो इंसेक्ट होता है ना, इंसेक्ट भी दो में डिवाइडेड है, टेरिकोटा जो विंग वाले हैं, विंग इंसेक्ट्स हैं, और ए टेरिकोटा जिनके अंदर विंग प्रेजेंट नहीं है। सो लैपिज्मा जो होता है, सिल्वर फिश जिसे कहते हैं ठीक है, ये फिश नहीं है नाम ऐसे सिल्वर फिश, बट इंसेक्ट के अंदर आता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ठीक है कि विच वन ऑफ दैम इज इनवर्ट नॉन क्वाड्रेटा ठीक है। सो कुछ फिशेज के नाम दे देंगे तो हमें पता नहीं होगा कौन सी फिश है ठीक है। लैपिज्मा की जगह अगर उन्होंने जो मैंने आपको फिश बताया ना, सिल्वर फिश ठीक है, सिल्वर फिश जो होता है लेपिज्मा, सो वो क्या होता है, इंसेक्ट है और विंगलेस इंसेक्ट है कि विंग प्रेजेंट नहीं होंगे इनके अंदर ठीक है जी। बाकी के अंदर क्या होंगे, विंग प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है बुक गिल्स फॉर रेस्पिरेशन आर फाउंड इन। तो हमें पता है बुक गिल्स किसके अंदर मिलता है, बुक गिल्स हमें मिलता है क्लास मीरोस्टोमेटा के अंदर, मीरोस्टोमेटा के अंदर मिलता है हमें बुक गिल्स। और मीरोस्टोमेटा के अंदर कौन सा आता है, किंग क्रैब आता है ठीक है। क्या आता है, किंग क्रैब, जिसे हमने ल्यूमिनस भी कहा। हाउस फ्लाई, टर्माइट्स और आंट्स, ये सारे क्या है, इंसेक्ट्स हैं। इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होगा रेस्पिरेशन के लिए। फिर आता है मेंबर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा लैक वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ठीक है। हमें पता है एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, कंपाउंड आइज भी होती हैं। बिकॉज यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने ये नहीं कहा कि करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कंपाउंड आइज भी प्रेजेंट है ना, बिकॉज होती है, सब में नहीं है तो, लेकिन मतलब किसी के अंदर है ठीक है। इन्होंने यूनिक फीचर्स नहीं पूछे। मैलफिजेंट ट्यूब्यूल्स के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है, और भी मेथड्स हैं बट इसके थ्रू भी होता है ठीक, और भी स्ट्रक्चर्स हैं। सो ए बी सी तो होते हैं, हमने कहा क्या लैक करता है, तो हमने कहा क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता आर्थ्रोपोडा के अंदर। हमने पहले भी जो स्टडी की थी, इससे पहले वाली जो पार्ट 1 थी वीडियो में, उसमें स्टडी किया था कि किसके अंदर होता है किसके अंदर नहीं होते। तो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बह रहा है, जैसे हम हो गए ठीक है। लेकिन जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था, यानी जो सिलोम होती है उसी के अंदर ब्लड साइनसिस प्रेजेंट होता है, तो सिलोम के अंदर ही ब्लड बह रहा होता है ठीक है। तो जो एनलिडा हो गया और सीफेलोकॉर्डेटा ठीक है, सारे मोलस्क ओपन टाइप ऑफ होते हैं ठीक है। जो मोलस्क होता है मोस्टली कैसे हैं, ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, बट जो सिर्फ सीफेलोकॉर्डेटा क्लास होती है मोलस्क की, उसके अंदर क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे ऑक्टोपस हो गया और लॉलीगो हो गया ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, क्लोज क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
ठीक है, तो एनलिडा, सिफेलोकॉर्डेटा मोलस्क और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे हम हो गए, ठीक है, और भी जो फिश हो गई, एम्फीबियंस हो गए, एविस हो गए, सबके अंदर ब्लड फ्लो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। सो डी आंसर नहीं हो सकता इसका, तो मतलब सॉरी, जो डी जो क्लोज नहीं होता आर्थ्रोपोडा के अंदर, सो ओपन टाइप होगा तो क्या लैक करता है, क्लोज लैक करता है, तो आंसर विल बी डी। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट एन इंसेक्ट, तो इंसेक्ट कौन सा नहीं होगा, ठीक है, तो इंसेक्ट कौन सा नहीं होता, टिक इंसेक्ट नहीं होता। मैंने पहले बताया कि टिक्स एंड माइट्स किसके अंदर आते हैं, टिक्स एंड माइट्स अरेकनिडा क्लास के अंदर आते हैं, ऑक्टापोडा, जिसके 8 लेग हैं। टिक एंड माइट्स हो गया, स्पाइडर हो गया और स्कॉर्पियन हो गया, ठीक है, तो ये सब किसके अंदर, अरेकनिडा के अंदर, जिनके 8 पेयर्ड लेग्स, मतलब 8 लेग्स हैं, ठीक है, यानी 4 पेयर ऑफ लेग्स। बाकी इसलिए आंसर क्या होगा, ए होगा। बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो कैसे हैं, सारे इंसेक्ट हैं, ठीक है, सबके अंदर 6 लेग्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सापोडा है। सो जो आपके 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए, ठीक है। जो एक क्वेश्चन इसमें पुराने वाला आ गया था, तो जो PDF मैं इसमें डालूंगा, ठीक है, PDF जो मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसमें वो क्वेश्चन होगा, तो डोंट वरी, उसका एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, सब आंसर का, सब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन गिवन होगा आंसर में, ठीक है। तो जो वीडियो कंप्लीट हुआ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें, ताकि और की भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सीरीज प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर टेक एंड बुक बाय कर सकूँ। तो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड टेक केयर।